नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में #संडे में, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि #संडे लगा करके अपने सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब अपनी अगली वीडियो में देने वाला हूँ। शुरुआत में करता हूँ कि भाई साहब मैं YouTube बंद करने वाला हूँ क्योंकि मैं आपसे बड़ा ही डिसअपॉइंटेड हूँ। ये क्लिकबेट नहीं था, सिंपल सी बात है। क्यों हुई इसका रीज़न मैं आपको वीडियो के बीच में ही बताने वाला हूँ। सवाल कुछ है, शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। काजम अली कहते हैं कि भैया मैं आपको WhatsApp पे वीडियो दूंगा, उसके ऊपर आप वीडियो बनाएगा। काजम अली बिल्कुल, और आप WhatsApp का नंबर नीचे फ्लैश में कर दूंगा, आप उस पर भेजिएगा मुझे और वीडियो बनाने लाइक है। मुद्दा अगर ऐसा है तो मैं उस वीडियो उस मैटर पे पक्का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप ही लोगों ने मुझे बनाया है। तो अगर मैं आपके कहे अनुसार काम नहीं करूँगा, आपके लिए काम नहीं करूँगा, तो फिर बेकार ही है। अब अगला कमेंट है, ABB की अंधभक्त बस्टर हैं। सवाल इनका है कि आप क्या सोचते हैं, What do you think why our leaders don't want our citizens to be educated? भैया इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है। जब आप पढ़े लिखे होंगे तो आप नेताओं से सवाल करेंगे, जब आप नेताओं से सवाल करेंगे तो सिंपल सी बात है, उनको जवाब देना होगा। अब जवाब देने के लिए तो काम भी करना पड़ेगा, अगर काम नहीं होगा तो जवाब आपको देंगे क्या? अच्छा, अगला सवाल है मास्टर स्ट्रोक का। ये साहब कहते हैं, क्या इंसानियत नाम की चीज पॉलिटिक्स में नहीं बची है क्या? दोस्त, पॉलिटिक्स में इंसानियत अगर होगी तो दोस्त आप एंट्री लेवल में बाहर हो जाएंगे, यानी कि आप प्रधान या चेयरमैन में बाहर हो जाएंगे। तो आप पॉलिटिक्स में इंसानियत नहीं होती है, पहली बात। क्या ईमानदार व्यक्ति पॉलिटिक्स नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझसे अच्छा एग्जांपल कौन जानता है कि ईमानदार व्यक्ति तो बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई साहब आज की जो पॉलिटिक्स है इतनी महंगी हो गई है कि ईमानदार व्यक्ति के पास उतना धन नहीं है जो पॉलिटिक्स में या वो चुनावी रैलियों में खर्च कर सके, क्योंकि पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा महंगा कर दिया है इन राजनेताओं ने। आप देखेंगे 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें कितना खर्च हुआ है, 60,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है इलेक्शन में। अब आप समझिए क्या बुरा हाल है। और 2017 में जब आपका कर्नाटक का स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसमें 10,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, इतिहास बन गया था। अगर आपको लड़ना है चुनाव तो पहले आपका पॉलिटिकल आपका जो बैकग्राउंड है वो तो होना चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और पैसे तो आपके बेशुमार होने चाहिए, और काला धन अगर आप नहीं कमाते हैं तो आप पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। ये तीन चीज़ें हैं। क्या आज पटेल, भीमराव अम्बेडकर, चाचा नेहरू जैसे महान नेता नहीं मिल सकता? दोस्त, अब नरेंद्र मोदी जी को लार्जर देन लाइफ दिखाया जा रहा है, तो महान नेता उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में अब जब एक ट्रेंड बदलेगा, ऐसी बात नहीं है कि ट्रेंड कंटिन्यू होता रहेगा कि हाँ एक के नाम पर, एक बड़े फेमस नाम पर वोट पूरा चुनाव लड़ा जाएगा और आपके जो जिन्होंने काम जिन एमपी ने काम भी नहीं किया है वो भी चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में कुछ मैं सोचता हूँ, आने वाले 10 साल के 15 साल में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, पॉलिटिक्स बदलेगी। तो अब देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट, आगे क्या हो सकता है। गिरीश दादाजी बोलते हैं कि भैया आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन में इसका सोल्यूशन शो नहीं होता है क्या? फ्यूचर के लिए आपका कोई प्लान है क्या? अच्छा गिरीश जी, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। यूट्यूब मेरा बाई चांस रहा, लक भी रहा, तो चलता गया, तो मैंने मीडिया में काम कर रहा था तो मैंने छोड़कर सिर्फ यूट्यूब को फुल टाइम मैंने ले लिया था। अब आपकी इन्फॉर्मेशन इसका, कई बार मैं कोशिश करता हूँ कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए कि आप उसका खुद सोल्यूशन निकाल सकें। मेरी कोशिश यही है कि मैं न्यूज़ दूँ, व्यूज़ ना दूँ। कुछ कुछ वीडियोस में मैंने व्यूज़ दिए हैं, कोशिश करता हूँ कि वो भी ना दिया करूँ। आप खुद सोचिए, क्योंकि दूसरे के व्यूज़ को आप अपने खुद के व्यूज़ बना लेंगे वो भी थोड़ा सा गलत है। फ्यूचर के लिए क्या प्लान है दोस्त? अभी तो मैं बोलूँगा कि हो सकता है कि मैं यूट्यूब को क्विट ही कर दूँ, क्योंकि अभी तीसरा महीना शायद लग जाएगा, 22 तारीख को भी मेरा पेमेंट नहीं आने वाला है। यूट्यूब का जो गूगल एडसेंस है उसमें पेमेंट आपका तभी रिलीज़ होता है जब आपका $100 का जो थ्रेश होल्ड है वो आप कम से कम मिनिमम आप उसको पार कर लेते हैं। तो 3 महीना हो गया है, तो 3 महीने में भी $100 नहीं हो पाए हैं, थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं, 2 महीने का तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं दिया है, तो थोड़ा सा सर्वाइव करने के लिए मुझे प्रॉब्लम है। अब जिसको मैं दलाल, जिसको मैं कहता था कि बिका हुआ मीडिया, अब उनके लिए ही मुझे काम करना होगा। अब तो बाकी आगे देखते हैं, आगे 2 महीने और हैं मेरे पास, जितना मैं कर सकता हूँ। तो सर, अच्छा मनोवर मलिक ये बोलते हैं कि सर आप भी रवीश कुमार की तरह बनना चाहते हैं। भाई साहब देखो, रवीश कुमार जी की पत्रकारिता बहुत अच्छी है, जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, जिस तरह का उनका लहजा है, जिस तरह की उनकी रिपोर्टिंग है वो काबिले तारीफ़ है। मुझे रवीश कुमार नहीं बनना है, ना मुझे ध्रुव राठी बनना है, ना मुझे कुमार श्याम बनना है, ना मुझे भक्त बनर्जी बनना है, ना मुझे आकाश बनर्जी बनना है। मेरी खुद की एक आइडेंटिटी हो, मुझे उसके लिए काम करना है। रवीश कुमार जी बेस्ट हैं,
और बाकी मैं आप लोगों के लिए काम करता रहूंगा, दोनों साइड दिखाता रहूंगा, और अगर आपका साथ रहा 2 महीने तक, देखते हैं अगर सपोर्ट मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं भी कहीं गुम हो जाऊंगा। अगला सवाल है अमन सिंह जी का। अमन सिंह जी कहते हैं कि हाउ डू बीजेपी वॉन द इलेक्शन आफ्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यानी कि आप स्कैम्स की बात कर रहे हैं, जो स्कैम हुए, बेरोजगारी हुई, आप उसकी बात कर रहे हैं। देखो भैया, इस पर मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन बहुत ही ब्रीफ में मैं कहता हूँ, एक तो विपक्ष का बिल्कुल क्लियर कोई बात ही नहीं थी, अब जो दुश्मन हैं वो बिल्कुल साथ आकर बात कर रहे हैं, बिल्कुल जिनकी विचारधाराएं नहीं मिलती हैं वो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें तो रोकना मोदी का, उनका कोई फिक्स एजेंडा नहीं था, उनका कोई भी क्लियर बात नहीं थी कि हम अगर आएंगे तो हम ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात दोस्त, इसमें ये निकलती है कि मोदी सरकार को ये जो पुलवामा अटैक हुआ इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, जो बालाकोट में उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ इलेक्शंस में, और इलेक्शन से ठीक पहले किसान सम्मान निधि योजना को 6,000 रुपये आपको सालाना मिलेंगे, 2,000 रुपये दे देना अकाउंट में, एक उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरा कि अगर आप घर बनाने के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, आपको अकाउंट में ही सीधे आपको 50,000 रुपये दे दिए गए, अमाउंट 2.5 लाख है, आगे इंस्टॉलमेंट में उसको सेंक्शन किया जाएगा, तो कुछ ये वजह बनी। और एक वजह बनी कि गांव-गांव में शौचालय बने हैं, यानी कि वॉशरूम बने हैं, बाथरूम्स बने हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है, भले ही उसका कंजम्पशन ना हो, ये आपका जो LPG है इनका कंजम्पशन जो है वो सेकंड टाइम नहीं हो रहा है, ये रिपोर्ट्स बताती हैं, क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, परचेसिंग पावर है ही नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि हमें अब तब से लेकर के आज तक हम पूरी पॉलिटिक्स देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने इतना सोचा नहीं और ना ही किसी ने इतना कुछ किया, मोदी जी ने कम से कम चीज़ें दी तो सही, एक यही व्यक्ति है जो कुछ कर सकता है, एक ऐसी उम्मीद में नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे वोट मिले हैं। और जहां गुस्सा लोगों का था GST को लेकर, जो गुस्सा था लोगों मोदी सरकार गलत नीतियों को लेकर, बहुत सारे जो जैसे कि डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था देश के लिए, बहुत बड़ा ब्लंडर था, लोग मुझसे पूछते हैं कि डीमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, मैं कहता हूं कि भैया यूपी का चुनाव जीत तो गया और क्या चाहिए आपको। एक सिंपल सी बात इसमें यह भी थी कि आपको यह भी समझना होगा, नरेंद्र मोदी जी सरकार ने इसका फ़ायदा उठाया, पुलवामा अटैक ने जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उससे जो जितने और बाकी का जो एक ग्रुप था उसको उसने साध लिया कि भैया जो कुछ है मोदी ही कर सकता है, 56 इंच का सीना उस व्यक्ति का है। तो एक ये सारी बात रही, जो किसी से खुश नहीं था, जो एक ग्रुप था जो गुस्सा था उसको बालाकोट ने देख लिया, जो गरीब को चाह रहा था तो उसके अकाउंट में पैसे पहुंच गए, तो कोई कुछ उम्मीद लगा रखा था उसके सिलेंडर, तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर के एक 300+ सीटें लाना एक पार्टी के लिए, सिर्फ बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है, NDA को मिला करके कई सारी सीट्स हो गई थी। अब बाकी एनालिसिस की वाला वीडियो है, हो सकेगा तो आप कमेंट करना, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश मैं करने वाला हूँ। रवीश कुमार वाला हो गया, बीजेपी वाला DDR, अच्छा DDPR बोलते हैं कि भैया आप प्लीज़ ब्रीफ ऑन द ग्रे स्टेट मूवीज, कपल ऑफ सोर्सेज क्लेम दैट देयर आर एलीट ग्रुप हैविंग फ्यू एजेंडाज व्हिच लिंक्ड विद द सोसाइटी कॉल्ड इल्यूमिनाटी। दोस्त ग्रे स्टेट मूवी का दोस्त मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये है क्या क्या नहीं है, कोशिश करूँगा अगली बार मैं इसका जवाब दे सकूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, तो आप टेंशन ना लीजिए, इसका मैं देख के आपको बताऊँगा। कुलदीप जी बोलते हैं कि आई थिंक आवर इकोनॉमी गोइंग डाउन सिंस शॉक ऑफ डीमोनेटाइजेशन। बिल्कुल, देखिए आप एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो डीमोनेटाइजेशन होने के बाद आपका जो भी अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर था वो पूरी तरह से तबाह हो गया था। डीमोनेटाइजेशन का मतलब ये था कि आप डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा करो, पहले तो बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि नोटबंदी कर दी कि भैया हमें क्या चाहिए कि देश से जो काला धन है वो पहले बाहर हो जाए, सिंपल सी बात है। अब RBI की रिपोर्ट कुछ साल बाद आती है, बताती है कि बैंकों में जो पैसा है वो 99.3% के आसपास पहुंच चुका है, वही पैसा लौट करके आ गया। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ है, ZMI की जो रिपोर्ट है वो बताती है पूरा तहस नहस कर दिया, पूरा इसने बर्बाद कर दिया इकोनॉमी को। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जिस स्टेज में जब नोटबंदी का डिसीजन लिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, वो कहते हैं मैं पूछता नहीं सिर्फ मैं करता हूं, अगर पूछ लिया होता तो शायद, छोड़िए कोई बात नहीं, तो जिस समय हमारे भारत ने डीमोनेटाइजेशन का जो फैसला लिया था नरेंद्र मोदी जी ने, तो उस वक्त बाकी देशों की जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशन है उनकी जो इकोनॉमी थी उस वक्त डबल डिजिट में उसकी GDP ग्रोथ रह रही थी, और भारत की सिंगल डिजिट में मतलब बहुत ही नीचे रह रही थी। अब GDP को सुधारने के लिए सुधारना था उनको, तो पूरा एक GDP के कैलकुलेशन का ही तरीका उन्होंने बदल दिया, मतलब GDP के आंकड़े को फज किया, यानी कि जो कुछ देश में हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है।
उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं जाकर के। लेकिन अब मैंने वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि भैया मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी रवीश कुमार वाली जो वीडियो में ही मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका है, भारत की जो पोजीशन थी 5वें नंबर से वो डायरेक्ट अब 7वें नंबर पर पहुंच चुकी है। अब इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो तो 36% तक की गिरावट है जुलाई का, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। जो कोर इंडस्ट्री है, जो कोर सेक्टर है, उसमें आपका मात्र 0.2% ही जुलाई में सिर्फ आपका बढ़ता है, हाइक आता है। इसका मतलब पूरी तरह से ठंडी पड़ी सारी इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, नौकरियाँ जाती जा रही हैं, आप रेलवे को प्राइवेटाइज करते जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनता है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आप उनको बेवकूफ़ अच्छा बना रहे हो क्योंकि आपने उनकी नस पकड़ रखी है। अब मैं डिसअपॉइंटेड क्यों हूं, क्योंकि कल मैंने कुछ 1 बजे के आसपास मैंने डाला था वीडियो कश्मीर वाला, उसमें किसी का मैंने बोला इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कश्मीर का जो 35 आर्टिकल ए, कश्मीर का जो मुद्दा है, ट्रूप्स का भेजना वहाँ पे, हल्ला गुल्ला ड्रामा होना, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। मैंने एक वजह को छुपाया, मैंने सोचा देखते हैं कि कम से कम हमारे व्यूअर्स में या फिर लोगों में जागरूकता आई है कि नहीं आई है। आप में से किसी ने एक ने ये भी नहीं बोला कि जो कश्मीर में हो रहा है वो इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से हमें दिखाई जा रहा है कि 35 से हटा देंगे, 370 लागू हटा देंगे, वो इतना आसान नहीं भी है, एक प्रोसेस के थ्रू है, ठीक है वो होगा, कोई बात नहीं, सही है गलत है वो अलग की बात है। लेकिन 370 का 35 ए का जो ड्रामा था, जो रचना था, इसके पीछे का वजह यह थी कि जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उस पर डिबेट ना हो, लोगों का ध्यान भटकाया जाए और भारत की गिरती अर्थव्यवस्था पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। अगर इस पर बातचीत होगी तो सरकार को जवाब देना होगा, सरकार जवाब देगी कैसे, 3-4 साल में तो आपने पूरा हो ही गया। तो किसी ने भी, एक व्यक्ति ने ऐसा नहीं बोला कि हाँ ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर का मुद्दा जबरदस्ती उठाया जा रहा है, सिंपल सी बात। इसलिए मैं आपसे डिसअपॉइंटेड था, बाकी आप कोशिश कीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, भैया एक आखिरी सवाल ले लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। अगला सवाल मैं लेता हूँ साहब, किसका है, एक सवाल था एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन के लिए आप क्या सोचते हैं और खतरे में हिंदू है या नहीं है, ये था किसी का सवाल, पढ़ा था मैंने, स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने। तो सिंपल सा बात है, देखो भैया एजुकेशन पॉलिसी के लिए ना ही बीजेपी बहुत ज़्यादा गंभीर है और ना ही आपकी कांग्रेस है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लेट फिफ्टीज़ में और अर्ली 60s में एक कोठारी कमेटी बनाई गई थी, 62-64 में आसपास उन्हें रिकमेंडेशंस दिए थे, बहुत सारी कमेटीज़ बनी है कि भैया देश में शिक्षा होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। बात चली थी 2002 में 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था कि भैया राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। अब इसको कानून बनाने में 2009 बन गए, ठीक है 2009 तक राइट टू एजुकेशन आकर एक कानून बना के भैया आपको ना 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए आपको मुफ्त में शिक्षा देनी होगी, मैंडेटरी है। और जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उसमें क्लास वन के लिए और उससे आगे के लिए 25% आपको आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन रखना पड़ेगा गरीब तबके के लोगों के लिए, सही है। अब क्या हुआ, इसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती रहीं, ठीक है होता रहा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोग एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। अब सरकार ने बोला कि भैया अब इसको भी संभालना है, तो मिड डे मील की योजना शुरू की गई, एकाध दिन मतलब कुछ दिनों तक ठीक चला, बाद में पता पड़ने लगा कि जो बचा कुचा गंदा अनाज होता था वो मिड डे मील में जाता था, कई लोग बीमार भी पड़े, बच्चों की मौतें भी हुई, तो वो भी एक संशय के घेरे में आ गया था। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि 2002 में आप बात करते हैं, 2002 में सरकार किसकी थी, मेरी तो थी नहीं, सरकार थी ना आपकी, और 2009 में किसकी सरकार थी, मेरी थी नहीं, थी ना उनकी, ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने कभी भी इसको सीरियसली नहीं लिया एजुकेशन के लिए, क्योंकि उनको पता कि अगर एजुकेटेड गधे अगर होंगे तो उनकी राजनीति यूँ ही चलती रहेगी। एक सिंपल सी बात है, आप 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आपने एजुकेशन दी, लेकिन जो 0 से लेकर 6 साल के बच्चे के लिए आपने क्या दिया। अगर मैं इंटरनेशनल चिल्ड्रन राइट की बात करूं, जिसको 142 कंट्रीज़ ने उसको टिक किया हुआ है कि हाँ भैया हम सहमत हैं, वो थी कि 18th एज तक वो बच्चा मानते हैं एक इंसान पर, एक बच्चे को, हमारे यहाँ सिर्फ 6 से 14 साल बच्चे के लिए। अब सवाल देखो यही है, अब 14 से 18 साल के बच्चों के लिए आपने क्या दिया, कुछ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, इस पर आप बात करनी थी। और एक सिंपल सी बात है, 2002 में आप काम शुरू करते हो, 2009 में आपने कानून लाया, इसका मतलब आपने पूरी एक पीढ़ी तो बर्बाद आपने कर दी। और एजुकेशन है भी क्या, आपके हाथ में जो रिपोर्ट कार्ड आता है वो आपके स्किल्स नहीं दिखाता, आपके रटने की ताकत दिखाता है कि हाँ भैया आप रट सकते हो। देखो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल यही है कि भाई साहब आप अगर आपने जॉब की है, ठीक है मैंने भी जॉब की है, सबसे पहले पूछते भैया आपने क्या किया हुआ, ये किया हुआ, ठीक है रख दो साइड, नंबर कितना है, कुछ नहीं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको स्किल्स सिखाई मतलब काम सिखाया जाता है ताकि स्किल्स आपकी डेवलप हों, आप काम
अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकें। लेकिन हमारा जो इंडिया का प्रॉब्लम यही है, बोरिंग, कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी 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 सब देते हैं। सिंपल सी बात है भैया, बच्चा सीखता नहीं। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करने होंगे और इंडिया में खास तौर से करने चाहिए ताकि इंटेलेक्चुअल लेवल बने बच्चों में, क्योंकि थोड़ा सा और सरकार को सोचना चाहिए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। और सिंपल सी बात यह है कि दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएं तो आप जा सकते हैं मेरे चैनल पे। आपको ट्विटर पे मुझे फॉलो करना होगा, मैक्सिमम सवाल वहाँ से उठाऊंगा। फिर आपको फेसबुक पे आना होगा, वहाँ भी आपको इंटरेक्शन मेरे आपके बीच होगा, तो वहाँ से सवाल उठाऊंगा। यूट्यूब से सवाल तो मैं लूंगा ही लूंगा, तो ट्विटर से बहुत मैक्सिमम मैं सवाल लेने वाला हूँ। तो जाके तीनों को आप फॉलो कीजिए। और अगर आप चाहें तो मुझे पेट्रियन और इंस्टा मोजो पे जाके मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जब तक कनेक्टिविटी ठीक नहीं होती, 4G का राग लगा रहे हैं भैया, 2G की स्पीड दे रहे हैं, तो तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। हम लोग बात करते रहेंगे, लाइव स्ट्रीम होगी तो ये संडे वाला जो तो लाइव ही कर दिया करेंगे रिकॉर्ड करने के बजाय। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते, नमस्कार।